नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। नेशनल खबर पर जिस तरीके से आपने विश्वास दिखाया है, जिस तरीके से आप हमारे चैनल को, हमारे इस पूरे परिवार को प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन नेशनल खबर पे जो आप विश्वास रखते हैं, उसी विश्वास के साथ हमारे लाए गए एक्सपर्ट्स को आप देखते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, फॉलो करते हैं और हमारा फ़र्ज बनता है कि आपके उस विश्वास को पूरी तरीके से कायम रखा जा सके। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के बारे में आपने हमारे चैनल पर काफ़ी बार देखा होगा, उनके इंटरव्यूज़ देखे होंगे, पेशेंट्स के बारे में आपने सुना होगा कि कैसे वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन हालिया ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया गया है कि हिम्स में जो पेशेंट आ रहे हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जो ग्रैड सिस्टम है यहाँ का वो काम नहीं करता, यहाँ पे कोई भी पेशेंट ठीक होकर नहीं जा पाता है। अब इस चीज़ को लेकर हमारा फ़र्ज था कि जिन लोगों का भरोसा टूट रहा है इस वायरल वीडियो की वजह से, उस वीडियो का जवाब हम डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी से ही लें। तो आज मेरे साथ वो मौजूद हैं और उस वायरल वीडियो का जवाब भी आपको आज के इस खास वीडियो में मिलने वाला है। मेरे साथ अभी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी मौजूद होंगे। अंदर चलिए जानकारी लेते हैं कि आखिर उस वायरल वीडियो के बारे में उनका क्या कहना है। जलंधर जो है उसको हमने फ्री कर दिया है, वहाँ कोई भी पेशेंट जाए फ्री में इलाज कराए, खाने का पैसा हम देंगे, रहने का पैसा हम देंगे, इलाज भी हम मुफ्त करेंगे, ट्रेनिंग भी हम देंगे, सब कुछ फ्री कर दिया। हर दिन हेल्थ ख़राब होती जा रही है, उल्टा किसी के दबाव में आके या अपने मन से बाकी जो पेशेंट है जिनको ठीक होने की संभावना है उनकी संभावना को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा सोचिए, इस हर्ष दुबे की तरह वो जो फोटो मैंने दिखाया कम से कम 100-150 पेशेंट्स का, राइट, जो कि अभी दिखाया मैंने आपको, अगर वो भी यही सोचते कि हम ठीक नहीं हो सकते तो आज वो भी डायलिसिस करा रहे होते, ट्रांसप्लांट करा रहे होते, खुद की ज़िंदगी ख़राब कर रहे होते, किसी और की ज़िंदगी भी, किसी और से किडनी लेके उनकी भी बर्बाद कर रहे होते। तो वही पेशेंट हैं, वो आए थे स्टेज पे खड़े थे बाकायदा अपनी अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेके, तो आप आए क्यों नहीं हर्ष दुबे जी, क्यों नहीं आए? आप आ जाते उस दिन, और हमने तो बड़े बड़े अलर्ट दिए भाई, भगत सिंह जयंती को एक बार फिर से नए सिरे से सारे पेशेंट को बुला लेते हैं जो पेशेंट ठीक हुए हैं। देखिए, कभी कोई कमलकांत उठ के खड़ा हो जाता है, कभी कोई नवनीत कारक उठ के खड़ा होता है, कभी कोई मानस समर्थ उठ के खड़ा हो जाता है, कभी कोई हर्ष दुबे उठ के खड़ा होता है। ऐसे अगर लोग उठ के खड़े होते रहे एक हर बार 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 मैं और मेरे पेशेंट्स को सफाई देते हुए, राइट, यही काम हमारा नहीं रह गया है। तो मेरे साथ अभी एक जानी मानी शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हालिया ही हम कई वीडियोस स्क्रॉल कर रहे थे, देख रहे थे, तो एक सीकेडी का पेशेंट है जो हिम्स से ट्रीटमेंट ले चुका है और उसका दावा है कि वो ठीक नहीं हुआ है और कई और भी दावे किए हैं उसने, आपने भी शायद वो वीडियो देखा हो, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है, उस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोलना चाहूँगा, कभी भी आप सिर्फ उसी को विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए जो कोई एविडेंस दे, जो कोई सबूत दे, जो सबूत ना दे उन पे भरोसा नहीं कीजिए। जिस भी वीडियो की आप बात कर रहे हैं, अगर वही वाला वीडियो जिस जो मैंने देखा, तो आप देखिए वीडियो में कोई सबूत है, यहाँ तक कि जो बोल रहा है क्या उसका चेहरा दिख रहा है? तो जिसका कोई सबूत नहीं, जिसमें एविडेंस नाम की चीज़ नहीं, सिर्फ इल्ज़ाम है, तो उस पर अगर भरोसा करेंगे तो आपको नुकसान होगा। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लो हम सबूतों की बात कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, मैं मेरा ये फर्स्ट फ्लोर से मैं एंटर करता हूँ रोज़ अपने ऑफिस में, तो ये पहले सबसे पहले ये फ़ोटो आती है जी। ये 23 जुलाई की फ़ोटो है, पिछले महीने की, आप भी तो थे जी, इसमें जी, इवेंट जी, में जी। ये पूरे देश के लगभग हर स्टेट से पेशेंट्स हैं हमारे, एक टाइम पे ये किडनी फेलियर पेशेंट थे, इनमें ज़्यादातर जो डायलिसिस पे थे एक टाइम पे, और हफ्ते में एक डायलिसिस, दो डायलिसिस, तीन डायलिसिस में चलते थे इनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स के। और जब इनको ग्रैड सिस्टम पता चला, ग्रेविटेशन रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, हॉट वाटर इमर्शन एंड DIP डाइट, उसके बाद से लेके अभी इनमें ज़्यादातर लोगों के 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, किसी को 1.5-2 साल हो गया। जब हमने ईजाद किया था, लगभग 2 साल पहले ईजाद किया था, तब से लेके अब तक पूरी तरह से क्योर्ड है और इनकी दवाइयाँ बंद हो गई, इनकी डायलिसिस पहले से बंद हुई, हुए भी 1.5-2 साल हो गए। तो जब ये आए थे, उनमें कुछ छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, ये थैलेसीमिया के पेशेंट हैं या डायबिटीज़ टाइप 1 वाले पेशेंट हैं, मतलब कि एक टाइम पे महीने में एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन चढ़ता था ज़्यादातर को, या फिर दिन में 3 या 4 बार इंसुलिन लेते थे, ऐसे बच्चे हैं। लेकिन अब इंसुलिन फ्री और थैलेसीमिया फ्री हुए भी 1 साल से ऊपर हो गया,
ये वही सारे हैं, कुछ कैंसर और हार्ट पेशेंट्स भी हैं इनमें। तो ये सबूत जब हमने दिया 23 जुलाई LTG ऑडिटोरियम पे, तो हमने पूरे देश को बताया पहले कि जिनको सबूत चाहिए, जिन्हें थोड़ा भी शक है ग्रेड सिस्टम काम करता है कि नहीं, तो उस दिन 23 तारीख को हम सबूत देने वाले हैं, आप सब आ जाओ। अच्छा, हमने दुनिया को कैसे बताया, एक तो आपके चैनल के माध्यम से बताया, आपको पता ही है, और आइए हम अपने ऑफिस में दिखाते हैं आपको जी। हमने पूरे देश के बड़े से बड़े जो अखबार हैं जी, जैसे हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, पंजाब केसरी है, उनमें से एक अखबार यहाँ पे भी लगा है, आप इसे देखें, इस तरह से फुल पेज और फ्रंट पेज हमने ऐड दिया बहुत पैसा लगा के, जिसमें हमने निमंत्रण दिया कि भाई हमारे पेशेंट पूरी तरह क्योर्ड हो गए हैं, वो LTG ऑडिटोरियम में आने वाले हैं, और आप आएँ फिज़िकली और आके उनको जांचें कि वो ठीक हुए कि नहीं आपके अनुसार जी। तो हमने चैलेंज भी किया, इनवाइट भी किया, इस तरह के अखबार के ऐड भी दिए। ये देखिए 20 जुलाई का ऐड है, 23 जुलाई का हमारा कार्यक्रम था, 20 जुलाई का ये फुल पेज ऐड है, ताकि किसी की नज़रों से रह ना जाए, और जो आ नहीं सकते वो TV में लाइव देखें। सुदर्शन न्यूज़ एंड साधना चैनल जो कि नेशनल TV है, जो पूरे देश में आते हैं, इनमें देखें, लाइव चला भी इन दोनों में राइट। तो ये और हमारे सपोर्ट में इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आप देख रहे हैं, तो वो सारे पेशेंट जिनकी फ़ोटो दिखाई, वो सारे के सारे आए, सबके सब अपने मेडिकल रिपोर्ट लेके आए, देखो जी हम ठीक हो गए, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग भी ठीक हों, इसीलिए आए, अपना अपना शहर छोड़ के, अपने पैसे लगा के, होटल में रहते हुए, फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, न जाने कैसे कैसे करके घर से छुट्टी लेके, ऑफिस से छुट्टी लेके तब आए राइट। ऐसे सैकड़ों पेशेंट आपने देखे, खुद भी देखा और दुनिया ने देखा, और इसके सक्सेस के चलते, ग्रेड सिस्टम के सक्सेस के चलते, अब यहाँ पे देखिए नेपाल सरकार ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने मुझे इनवाइट किया कि ग्रेड सिस्टम हमें भी सीखना है, और वहाँ हमने ट्रेनिंग दिया उनको, और ट्रेनिंग देने के बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने मुझे, हेल्थ मिनिस्ट्री के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने के लिए ये मुझे प्रशंसा पत्र दिया। और अब अगर हम इस तरफ देखें थोड़ा घुमा के, ये 6 सितंबर यानी कि आज से 3 दिन पहले का ये चिट्ठी हमें मिली है मलेशिया से। मलेशिया ने भी इस सिस्टम को ट्राई किया, खासतौर पर DIP डाइट को ट्राई किया, और देखा कि GFR पेशेंट की, किडनी पेशेंट की इमीडिएट बढ़ जाती है। और कितना ट्रायल था ये, 25 दिन का ट्रायल था उनका, जो ऑब्जर्वेशन स्टडी किया था। तो चाहे वो मलेशिया की बात करें या भारत की बात करें, नेपाल की बात करें, सबूत है ये, वो पेशेंट जिंदा है, वो सबूत हैं। तो सबूत हम दे रहे हैं, और सबूत के बेसिस पे हम बता रहे हैं कि ग्रेड सिस्टम काम करता है। आइए बैठते हैं जी। अब क्या है कि कोई एक पेशेंट किसी भी वजह से अगर एक वीडियो बना देता है, और मुझे चिंता यह है कि उस वीडियो को देख के कोई भोला भाला पेशेंट जो हमसे ठीक हो सकता था, लेकिन उस वीडियो के चक्कर में आके वो सोचेगा काम ही नहीं करता, तो नुकसान पेशेंट का है, जो हम नहीं चाहेंगे। इसीलिए ये बताना मेरे लिए ज़रूरी है कि वो जो पेशेंट जिसकी बात कर रहे हैं, उसका नाम है हर्ष दुबे, 22 साल का है, मैं खुद मिला उससे, 2021 की बात है, इनिशियल 31 दिसंबर 2021, ठीक है ना, मैं खुद मिला, डेराबसी जो उन्होंने पहला हॉस्पिटल जब खोला था तब की बात है ये जी। और वो हफ्ते में उसके 2 डायलिसिस उस वक्त चलते थे, और जब हमारे सिस्टम में आया, ग्रैस सिस्टम में आया, जाहिर सी बात है उसका डायलिसिस पूरी तरह छूट गया, लेकिन शर्त ये कि ग्रैस सिस्टम करना पड़ेगा, ये शर्त थी। लेकिन यंगस्टर आजकल के होते हैं, आप जानते हैं कि भाई कुछ भी ना करना पड़े, ग्रैस सिस्टम करना आसान काम नहीं है, दिन में रोज़ 2 घंटे पानी में बैठना, हेड डाउन टिल 2 घंटे करना, और डाइट पे रहना जी। तो उसके मन में ऐसा विचार आया कि क्यों ना इसकी भी ज़रूरत ना पड़े, तो किसी ने उसको बता दिया किडनी ट्रांसप्लांट अगर हो जाए, कोई किडनी मिल जाए, तो फिर आपको ये ग्रेड सिस्टम की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो शायद उसने मम्मी को पटाया, या मम्मी को मान गई उसकी, और उसने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई दुनिया में किडनी ट्रांसप्लांट ना करे। किडनी ट्रांसप्लांट से 2 लोगों को नुकसान होता है, एक जो किडनी दे रहा है और जो किडनी ले रहा है। फ़ायदा एक इंसान को होगा जो किडनी को ट्रांसप्लांट कराने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, यानी कि हॉस्पिटल। कैसे इस बात को समझाता हूँ मैं आपको पूरा। अब देखिए, मान लीजिए ये पेड़ है, अगर आप इसको अंदर देखें, पानी है इसमें जी। और ये पेड़ उग रहा है, मान लीजिए ये, क्योंकि इसमें खुराक मिल रही है, इस पेड़ को मानिए ये किडनी है, हेल्दी किडनी, जैसे मेरी और आपकी किडनी है जी। ये कितना भी हेल्दी पेड़ क्यों ना हो, किडनी क्यों ना हो, ये एक बंजर भूमि है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर ये हेल्दी से हेल्दी पेड़ या किडनी को उठा के ट्रांसप्लांट करके मैं एक बंजर भूमि में डाल दूं, तो ये कितनी दिन तक हेल्दी रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा
3-4 दिन। जाहिर सी बात है, चाहे कितना भी हेल्दी क्यों ना हो और खुराक ना हो, धीरे धीरे सूख जाए, खत्म हो जाएगा। तो चाहे कोई इंसान कितनी भी हेल्दी क्यों ना, कितना भी, उसका जब हेल्दी किडनी लेके एक ऐसे इंसान के बॉडी में डालते हैं जहाँ पे उसको खुराक ही नहीं मिल रही किडनी को, इसीलिए वो पहला किडनी भी फेल हुआ था, तो दूसरा भी फेल होना ही है। इसीलिए ये देखा गया दुनिया में, मैं दोबारा एविडेंस की बात कर रहा हूँ, जून 2018 क्लिनिकल किडनी जर्नल पेज नंबर 389 में दिया हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट से मोर्टलिटी रेट, मृत्यु दर पेशेंट की डबल हो जाती है, कम से कम पहले एक साल में तो डबल हो ही जाती है, यानी कि उसके मरने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, डबल हो जाती है, 2 गुना हो जाता है, 100% बढ़ जाता है। यही बात मैंने पेशेंट को समझाया कि किडनी ट्रांसप्लांट मत करा लेना भाई, लेकिन पेशेंट ने बात मानी नहीं। मैं हर्ष दुबे की बात कर रहा हूँ, पता चला बाद में कि उसने ट्रांसप्लांट करा लिया, वही हुआ जो मैंने आपको बताया, ट्रांसप्लांटेड किडनी फेल हो गई। जहाँ तो जब वो हमारे पास आया था, हफ्ते में 2 डायलिसिस चलते थे, आज की तारीख में ये मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, उसके 3 दिन पहले की, हमारे ही डॉक्टर ने वापस फ़ोन करके पूछा उनसे, तो बताया कि अब वो 3 डायलिसिस पे आ गए दिन में, हफ्ते में 3 डायलिसिस। अब जो हॉस्पिटल ने उन्हें बोला कि ट्रांसप्लांट करा लो, ट्रांसप्लांट किया, वो हॉस्पिटल के लोग उन्हें भ्रमित कर रहे हैं कि पहले आप हॉस्पिटल में बैठे थे, पहले आपने DIP डाइट लिया था, इसीलिए आपकी किडनी फेल हो गई दोबारा से। जबकि सच्चाई ये है कि किडनी फेल होती ही है। हमारे हॉस्पिटल में करीब 20-30% पेशेंट वही वाले आते हैं जिनकी ट्रांसप्लांटेड किडनी फेल हुई तब आए, वही वाले आते हैं, उसके बावजूद भी उनको भी हम पूरी तरह ठीक कर पाते हैं। हमारे ठीक करने का जो रेशियो 100% नहीं है, 75% है। जो लोग 100% जो पेशेंट हमारी बात मानते हैं, करते रहते हैं, उनमें भी 75% को ही डायलिसिस फ्री हम करा पाते हैं, बाकी 25% का डायलिसिस कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरह क्योर नहीं भी होता है। तो ये चीज़ हमने अपना एंड ऑफ ट्रांसप्लांट बुक हमने रिलीज़ की थी, उस बुक में आपने हमने डाला था जी। ताकि उस बुक के माध्यम से लोगों को सच्चाई पता चले, और सच्चाई अभी तक का ये है कि हमारा सक्सेस रेट 75% है। 25% ऐसे लोग ज़रूर हैं जिनको हम पूरी तरह फ़ायदा नहीं भी पहुंचा पाते हैं। उन 25% पेशेंट को थोड़ा सा मन में रह जाता होगा कि भाई हम ठीक नहीं हुए हैं, उनमें से कोई वीडियो बना भी देता होगा, लेकिन जो हर्ष दुबे है ये तो 100% ठीक हो गया था। शर्त ये थी कि आपको ये ग्रैड सिस्टम 3 से 6 महीने करते रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है, जो कि आसान काम नहीं भी हो सकता कुछ लोगों के लिए। लेकिन अब हफ्ते में 3 डायलिसिस करने में जितना जोर लग रहा है, जितना पैसा लग रहा है, हर दिन वो उसकी वो और कमज़ोर होता जा रहा है, उसके कंपैरिजन में तो ये बढ़िया ग्रैड सिस्टम ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। क्योंकि ग्रैड सिस्टम में मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे पेशेंट थे जो ग्रैड सिस्टम 3-6 महीने किया, उसके बाद ग्रैड सिस्टम भी छोड़ दिया, दवाई भी छूट गई, डायलिसिस मुक्त हो गए। और ऐसे पेशेंट पूरे देश के हैं जो अपने अपनी फाइलें लेके 23 जुलाई को आए थे, चंद्रशेखर आज़ाद जयंती वाले दिन आए थे, और आके उन्होंने दुनिया को दिखाया। लेकिन जब दुनिया को दिखा रहे थे तब अपना आँख बंद कर लें, कुछ लोग ऐसे होते हैं, फिर बाद में चिल्लाएं ग्रेड सिस्टम काम नहीं करता। नुकसान सिर्फ उनका होगा जिनको ग्रेड सिस्टम की ज़रूरत है, मेरा नुकसान नहीं है। सर, उनका दावा तो ये भी है कि लाखों रुपए लिए गए हैं और फ़ायदा न मुझे हुआ न दूसरे पेशेंट्स को। देखिए, जहाँ तक हिम्स डेराबसी का सवाल है, प्राइवेट वार्ड में अगर कोई रहेगा तो उसमें तो खर्चा है ही, आप डॉर्मेंट्री में रहिए, लाखों रुपये खर्च नहीं होंगे। अगर आपको मुफ्त में करना है तो हमारा तो हिम्स जलंधर जो है उसको हमने फ्री कर दिया है, वहाँ कोई भी पेशेंट जाए फ्री में इलाज कराए, खाने का पैसा हम देंगे, रहने का पैसा हम देंगे, इलाज भी हम मुफ्त करेंगे, ट्रेनिंग भी हम देंगे, सब कुछ फ्री कर दिया। तो पैसे का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर वो उसने चूज़ किया कि मुझे रहना ही प्राइवेट रूम में है, तभी जाके उसको पैसा लगा, राइट। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने आपको अभी फ़ोटो दिखाए थे, जो लोग 23 जुलाई वाले चंद्रशेखर आज़ाद जयंती वाले कार्यक्रम में आए थे, वो सारे पेशेंट में से 70% पेशेंट वो हैं जो घर पे ठीक हुए हैं, सिर्फ मेरी बुक पढ़ के, हमारे वीडियो देख के, जो वीडियो आपके चैनल में भी आया उसको देख के ठीक हुए जी। तो हम ये चाहते हैं कि आप ठीक हो जाओ, घर पे ठीक हो, हमारे फ्री हॉस्पिटल ठीक हो, या आप लग्जरी रूम में रह के आप लाखों रुपये भरो तब ठीक हो। और रहा सवाल हर्ष दुबे का, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने देखा कि ये पेशेंट जो है 15 दिन से अधिक रह रहा है, जो कि हमारा प्रोटोकॉल है कि 15 दिन से ज़्यादा हम रहने नहीं देंगे किसी को, क्योंकि हम भी नहीं चाहते किसी का पैसा खर्चा हो। तो मैंने ये पेशकश की, जब आपको इतना दिन रहना ही है क्योंकि उनकी खुद की मर्जी से, तो आप यहाँ पे एज ए वॉलंटियर भी काम करो हमारे साथ, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, थोड़ा हमारे डॉक्टरों को मदद करो, पेशेंट की मदद करो, और बदले में उल्टा आपको पैसा भी नहीं लेंगे हम, उल्टा आपको सैलरी भी देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी पेशेंट इतने दिन तक रहे और अपना पैसा खर्चा करे। जबकि ये सारा चीज़ घर पर मैनेज हो सकता, आफ्टरऑल हमारे 70% पेशेंट घर पर ही ठीक हुए हैं,
जो एक बार भी ना तो मुझसे मिले ना हमारे हॉस्पिटल में आए। तो खर्चा करना, अभी भी जब ट्रांसप्लांट कराया 25-30 लाख रुपए का खर्चा किया या इससे ज़्यादा, और अभी भी हर हफ्ते में 3 डायलिसिस कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं महीने में खर्चा 1 लाख रुपये का है, वो तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हेल्थ ठीक हुई? हर दिन हेल्थ खराब होती जा रही है, उल्टा किसी के दबाव में आके या अपने मन से बाकी जो पेशेंट है जिनको ठीक होने की संभावना है उनकी संभावना को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा सोचिए इस हर्ष दुबे की तरह, वो जो फोटो मैंने दिखाया है कम से कम 100-150 पेशेंट्स का, राइट, जो कि अभी दिखाया मैंने आपको, अगर वो भी यही सोचते कि हम ठीक नहीं हो सकते तो आज वो भी डायलिसिस करा रहे होते, ट्रांसप्लांट करा रहे होते, खुद की ज़िंदगी ख़राब कर रहे होते, किसी और की ज़िंदगी भी, किसी और से किडनी लेके उनकी भी बर्बाद कर रहे होते। सर आपकी बात मैं समझ सकती हूँ, मान भी रही हूँ, लेकिन दावा ये भी कर रहे हैं जो आप हर्ष नाम बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए मैं दूंगा अगर कोई ऐसा पेशेंट मुझे मिल जाए जो ठीक हुआ हो, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा एक पेशेंट नहीं है ना, ऐसा तो हज़ारों पेशेंट हैं, और उसमें से बहुत सारे पेशेंट तो 23 जुलाई को आए थे, तो वही पेशेंट हैं, वो आए थे स्टेज पर खड़े थे बाकायदा अपनी अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेके, तो आप आए क्यों नहीं हर्ष दुबे जी, क्यों नहीं आए? आप आ जाते उस दिन, और हमने तो बड़े बड़े ऐड दिए भाई, फुल पेज ऐड दिया अखबारों में, हमने आपके चैनल के माध्यम से, न जाने कौन कौन से चैनल के माध्यम से दुनिया को बताया 23 जुलाई 23 जुलाई, लेकिन कोई बात नहीं। एक काम और करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जयंती में आप नहीं आए, भगत सिंह जयंती 28 सितंबर को है, भगत सिंह जयंती को एक बार फिर से नए सिरे से सारे पेशेंट्स को बुला लेते हैं जो पेशेंट ठीक हुए हैं एक साल से, 1.5 साल से 1.75 साल से, क्योंकि उससे पहले ग्रेड सिस्टम का आविष्कार मैंने किया नहीं था, तो उससे पुराने पेशेंट को हम ला नहीं सकते, राइट, तो वो दोबारा आएंगे, और इस बार हम करेंगे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 12 बजे, जगह बता दिया, 10 लाख रुपए के लेके आ जाओ आप, उन पेशेंट से मिल लो आप, राइट। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, कभी कोई कमलकांत उठ के खड़ा होता है, कभी कोई नवनीत कारक उठ के खड़ा होता है, कभी कोई मानस समर्थ उठ के खड़ा होता है, कभी कोई हर्ष दुबे उठ के खड़ा होता है, ऐसे अगर लोग उठ के खड़े होते रहे एक हर बार 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 मैं और मेरे पेशेंट्स को सफाई देते हुए, राइट, यही काम हमारा नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी कहीं कोई पेशेंट को नुकसान ना हो जो उनके बातों में ना आ जाए, इसीलिए ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार फिर से हम कर रहे हैं। 28 सितंबर को ये किताब भी मैं लॉन्च करूँगा, When Cure is Crime, इस किताब में सारे एविडेंस होंगे, उन पेशेंट के सारे हॉस्पिटल के डिटेल भी होंगे जो ठीक हुए हैं, ताकि आप चाहे तो उनके घर में उसके हॉस्पिटल में जाके देख सकें, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं उनसे बात करने के लिए, उनके पास डायरेक्टली जा सकें, राइट। तो इसकी कॉपी मैं रिलीज़ करूँगा, फ्री कॉपी, जैसे हमने जितनी भी हमने किताबें रिलीज़ की, याद रखीजिए पहले दिन ही हमने फ्री ई बुक हमने रिलीज़ कर दिया, फ्री, तो हम तो अपनी सारी पद्धति को फ्री पहले दिन ही बता देते हैं, और उसके बाद हमने कभी नहीं बोला आपके चैनल के माध्यम से कभी नहीं बोला कि भाई आप हमारे हॉस्पिटल में आओ, हम तो ये बोलते हैं कि इलाज घर पे हो सकता है, लेकिन जो आलसी लोग हैं जो पैसा खर्चा करना चाहते ही हैं तो हमारे हॉस्पिटल भी आ सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा इरादा नहीं है आपको किसी को हॉस्पिटल बुलाने का, हमारा एक ही इरादा है आप ठीक हो जाएं, और बात तो तब इम्पॉर्टेंट है जब घर पे बैठ के ठीक हो जाएं, इससे बड़ी बात क्या है। बिल्कुल, वो जो वीडियो निकल कर आई थी सामने, उस वीडियो से काफ़ी लोग इस बात को लेकर आप पे सवाल उठाने लग गए थे कि प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं नहीं हो रही हैं, तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा जो हमारे व्यूअर्स हैं? मैसेज बड़ा सिंपल है, जो लोग मुझे जानते हैं तो वो ये भी जानते हैं, जब भी मैं किसी पद्धति की बात करता हूँ, चाहे वो जीरो वोल्ट थेरेपी हो, चाहे वो सर्कैडियन क्लॉक हो, चाहे वो हॉट वाटर इमर्शन हो, ग्रैड सिस्टम हो, DIP डाइट हो, याद कीजिए एक टाइम पे जब वो समय था जब घर पे आप बंद थे, राइट, याद कीजिए 2020 2021 2022, सबका काम धंधा बंद हो गया, बोला कि कोई ना कोई भूत आ गया, ऐसा भी एक दौर था, तब एक ही इंसान जो सामने आया था, मैं अपनी गाड़ी निकाल के बाहर आया था, और आपके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, 3-स्टेप फ्लू डाइट दिया, हमने सेंटर्स खोल दिए, और सारा कुछ फ्री था, और आपने देखा लाखों लोग घर बैठे ठीक हो रहे थे नारियल पानी और सिट्रस फ्रूट जूस से, आपको समझ आ गया कि भाई ये जो टीवी में दिखाया जा रहा है वो एक धोखा किया जा रहा है, और वही चीज़ जो मैंने बोला वो आयुष मिनिस्ट्री ने अपना ऑब्जर्वेशन स्टडी किया हमारे पेशेंट्स पे जो हमारे सेंटर पे आके कर रहे थे, और बताया कि भाई ये तो फ्लू है, ये ठीक बोल रहे हैं, और ये 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है, चाहे वो कितना भी सिवियर क्यों ना हो, राइट। वो कौन सी बीमारी की बात कर रहा हूँ वो आप खुद ही जानते हैं, मैं नाम लूँगा तो ये वाला जो वीडियो है ना ये भी उड़ा देंगे यूट्यूब, इसलिए नाम मैं नहीं ले रहा, राइट। तो और याद रखिए वो कौन था, जब दो आपने खुराक लेने की बात थी तो मैंने आपको मना किया था कि मत लीजिए, ये लोगों को मारने का एक तरीका है, राइट। और आज आप देख रहे हैं जो स्थिति है, जो मैंने तब बताया था वो आज सत्य निकल के आ रहा है। तो याद रखिए जो भी चीज़ मैं कभी भी बताता हूँ एविडेंस के साथ मैं बताता हूँ, वही चीज़ आगे सत्य आप देखते भी हैं साक्षात और आगे भी देखेंगे। तो एक इतिहास है
जो पिछले लोग मुझे 4 साल 7 साल 10 साल से फॉलो कर रहे हैं, वो इतिहास है, वो किताबें हैं। यहाँ आप देखेंगे तो 27 किताबें मैंने लिखी हैं। मेरी किताबें हिंदी में, इंग्लिश में, कई सारे भाषाओं में हैं, 70 भाषाओं में हैं, राइट। तो और ये सारे किताबें मैंने फ्री में उपलब्ध कराई ई बुक्स के माध्यम से। हमारे ऑडियंस जब भी आते हैं हमारे प्रोग्राम में तो फ्री में उपलब्ध है उनको, राइट। तो एक तरफ हम आपका एविडेंस दे रहे हैं और ये सारे में खर्चा हम अपना कर रहे हैं, खुद के पैसे से, राइट। किसी से कोई हम एनजीओ नहीं है, अपने पॉकेट से पैसा खर्चा करके लोगों को फ्री में दे रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अगर किसी पे शक है, किसी को हम पे और हमारे पति पे शक है, तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि वो हमें अनफॉलो कर दे, हम DIP डाइट भूल जाएँ, ग्रैड सिस्टम भूल जाएँ और इलाज कराएँ जहाँ से भी, क्योंकि हम तो आपको बाध्य नहीं कर सकते, राइट। वो कहीं भी जाके इलाज कराएँ, दे आर फ्री टू गो एनीवेयर। हमने कभी किसी को पकड़ नहीं रखा, हमने सिर्फ बोला कि ये मेथड काम करता है, आप देख लो, अगर आपको लगता है काम करता आप करो, नहीं लगता तो मत करो। आज भी यही बोल रहे हैं, राइट। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई गलत सलत वीडियो बना के उसको आगे ना भेजे, क्योंकि इससे नुकसान भोले वाले पेशेंट्स का होगा जो ऑलरेडी एक फ्रजाइल हालत में है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कि आपने सारी चीज़ें बताई, सारी बातें बताई कि हर्ष दुबे जब आए थे तब कैसा उनकी हालत थी, तो क्या आपके पास वो रिकॉर्ड्स होगा या कुछ वीडियो वगैरह जो उस और जो डॉक्टर्स थे उस वक्त जब ट्रीट किया था उन्हें, तो वो उनका क्या आउटपुट निकल के आया था? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उस वक्त के जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर मंजीत, डॉक्टर इंदु और डॉक्टर अनु, जो डायरेक्टली उस पेशेंट को देख रहे थे, उनसे मैंने चर्चा किया, तो उन डॉक्टरों का क्या कहना है, हालांकि ये मैं चाहता नहीं था कि लोगों तक पहुँचे, लेकिन अब सच जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप भ्रमित ना हो इस तरह की वीडियो से। तो उन डॉक्टरों ने जो कहा उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे रहा हूँ जी। इस वीडियो के साथ ही उस रिकॉर्डिंग को लगाइए और ताकि किसी को भी 1% भी शक हो तो हम इनवाइट करते हैं, आप आइए हमारे हॉस्पिटल भी, वो सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो रिकॉर्ड देखिए, आप आइए हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसे पेशेंट से मिलिए। ये बुक भी दे रहे हैं जो नहीं आ सकते, तो उसमें सारे हॉस्पिटल्स के नाम रहेंगे जहाँ इन पेशेंट की इलाज चलते थे, वहाँ वहाँ जाके आप उनके डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, हमारे हॉस्पिटल जाकर चेक कीजिए, उन हॉस्पिटल जाकर चेक कीजिए क्या पहले इन लोगों के डायलिसिस चलते थे, और ये भी चेक कीजिए कि आप चलते हैं, राइट। तो सबूत जितने भी तरह के आप मांग सकते हैं, अगर आप ये सोचते हैं सबूत ये है कि क्या हमारा जो ग्रैड सिस्टम है किसी भी जर्नल में आया है, तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ केयर जो कि दुनिया का एक बहुत अच्छे लेवल पे जर्नल है, सबसे पुराना जर्नल ग्रुप है, टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप, 200 साल पुराना ये जर्नल का ग्रुप है, इसमें इसका ये जर्नल है जिसकी बात कर रहा हूँ, इसने हमारे जो ग्रैड सिस्टम पे ऑब्जर्वेशन स्टडी को एक्सेप्ट किया है, ये भी मैंने 23 जुलाई को बताया था, आगे इस किताब में इसका डिटेल में डालने वाला हूँ। तो जो लोग 23 जुलाई वाला कार्यक्रम हमारा जो मिस किया जिन्होंने और देखना चाहते हैं, तो www.vishwaroop.com vishwaroop.com/23july में जाके देख लें, तो वहाँ भी सारे सबूत हैं डिस्प्ले में, विद द नेम ऑफ द हॉस्पिटल्स, नेम ऑफ द सिटी, नेम ऑफ द पेशेंट, कब ठीक हुए, कितने दिन पहले ठीक हुए, सारा डिटेल है। तो इन सबको आँख बंद करके आप बोल सकते हैं कोई ठीक ही नहीं हो रहा, वो आपकी मर्जी है, राइट। लेकिन एविडेंस हमने सारा दे दिया, कोई और एविडेंस भी अगर दुनिया में एग्जिस्ट करता हो जिसको जिससे आप संतुष्ट होंगे, चाहे वो क्लिनिकल एविडेंस बोलें, पेशेंट की सक्सेस स्टोरी बोलें, एवरीथिंग इज देयर विद अस, राइट। जितने पेशेंट्स आप चाहते हैं उतने पेशेंट हम लाके दे सकते हैं और हमने दिया भी। हेलो, आई एम डॉक्टर इंदुप्रीत। मैं डॉक्टर मंजीत सिंह, हिम्स हॉस्पिटल डेराबसी से, और आज हम एक ही छोटी सी वीडियो बना रहे हैं पेशेंट के बारे में, और हमें उसकी डिटेल्स थोड़ी सी शेयर करनी पड़ रही है, जबकि हम अपने किसी भी पेशेंट की डिटेल्स कभी शेयर नहीं करते। लेकिन हर्ष दुबे हमारे पास 2021 में आया था और अभी वो कुछ ऐसी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि उनको ब्रैड सिस्टम से आराम नहीं आया, तो हम नहीं चाहते कि हमारे पेशेंट्स इसको देख के नेगेटिव हों, इसलिए हम उसका जो सफर हमारे साथ रहा और अभी जो उसकी कंडीशन है उसके बारे में हम शेयर करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन। हमारे पास हर्ष दुबे 31 दिसंबर 2021 में आया था और 1 जनवरी से हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया था। अभी उसको किडनी डिजीज थी और उसके हफ्ते में 2 डायलिसिस चलते थे। उसके बाद वो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 19 दिन रहा और ग्रैड सिस्टम से और डाइट से उसका ट्रीटमेंट किया गया और उसका इतने पीरियड में कोई डायलिसिस नहीं हुआ और वो स्वस्थ होकर अपने घर चला गया। जैसा कि मैम ने बताया कि हर्ष का इन 20 दिनों के अंदर कोई डायलिसिस नहीं हुआ जैसा उसका पहले चल रहा था, क्योंकि उसने प्रॉपर ग्रैड सिस्टम को फॉलो किया था। तो हर्ष ने फिर से सेकेंड विजिट हमारे पास रखी 30 जनवरी 2022 में, जो कि क्योंकि वो घर पे ये सब फॉलो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि घर पे जो भी उसकी डाइट थी वो प्रॉपर नहीं गई, क्योंकि उसके घर वाले जो भी उसके आगे खाना खा रहे थे, वीट खा रहे थे, राइस खा रहे थे, वो उसको प्रॉपर
उसका मन करता था कि मैं भी ये सब खाऊं, तो इसके चलते वो फिर से डेरा बसी हिम्स हॉस्पिटल वापस एडमिट हुआ 30 जनवरी 2022 में। तो हर्ष को यहाँ पे फिर से ग्रेड सिस्टम फॉलो करवाया गया, फिर से उसको डीआईपी डाइट दी गई, लेकिन हर्ष इन बिटवीन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बिना किसी को बताए शिमला के लिए चला गया। और वहां पे पता लगा है कि जब हर्ष वापिस आया था उसने खुद बताया कि शिमला में जाके उसने बाहर का खा लिया, जिसके चलते उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। और जब वो वापिस आया था हमारे पास तो उसको स्वेलिंग थी बॉडी पे, और साथ में उसको फिर से दोबारा उसका रीट्रीटमेंट शुरू किया गया, उसको फिर से बैलेंस किया गया, इन बिटवीन उसका कोई डायलिसिस नहीं हुआ, ठीक है। और तभी वो बीआरसी सर से भी मिला यही हॉस्पिटल में, और उन्होंने उसको सजेस्ट भी किया कि तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आपको सब कुछ समझा दिया, तो आप घर पे इसको फॉलो कर सकते हैं, और अगर यहाँ रहना ही है तो आप यहाँ पे जॉब कर लो, आपका खर्चा भी नहीं होगा और आप इजिली अपना थेरेपी अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे कर पाएंगे। अब फेब के बाद वो अपने घर चला गया, लेकिन उसकी जिद थी कि उसको बॉम्बे जाना है, वो वहां जाके सब कुछ फॉलो करेगा। तो यहाँ से घर जाने के बाद में वो अपने घर पे रहा या बॉम्बे रहा इसकी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये हमें पता लगा कि वो घर पे अच्छे से ये सब कुछ फॉलो नहीं कर पा रहा था और उसकी तबीयत अब खराब होने लगी, उसको स्वेलिंग होने लगी थी, और इसकी वजह से वो तीसरी बार हमारे पास मार्च में 7 मार्च को दोबारा से आया। और अब जब वो आया था तो उसको स्वेलिंग वगैरह काफी थी, उसकी तबीयत अब बहुत अच्छी नहीं थी, तो हमने उसका फिर से ट्रीटमेंट शुरू किया बिकॉज उसको ये लगता था कि वो पहले भी यही ठीक हुआ था तो वो दोबारा यही ठीक होगा आके, इसलिए वो यहाँ आ गया था। और जब हमने अब इसका ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसका जो रिकवरी था वो उतना स्पीड से नहीं हो रहा था जितना पहले हुआ था। इस बात को लेकर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था और वो कभी डाइट नहीं लेता था, कभी थेरेपीज नहीं लेता था, वो आके हमारे साथ जिद करता था कि मुझे ये चीजें फॉलो नहीं करनी है, वो नहीं करना है। और इसी के ही चलते वो कुछ दिन के बाद 13 तारीख को यहां से अपने पेरेंट्स को बिना बताए, हम लोग को बिना बताए वो हॉस्पिटल से चला गया। और बहुत ढूंढने पता करने के बाद 3-4 दिन के बाद हमें पता लगा कि वो अंबाला में है, और वहां से उसके पेरेंट्स उसको अपने घर ले गए। हमने भी उन्हें यही सजेस्ट किया कि उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बिकॉज उसकी तबीयत अब खराब होती जा रही है, तो या तो वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे या फिर वो कोई और रास्ता ले। और उन्होंने जो आगे जाके रास्ता चुना वो था ट्रांसप्लांट का। बीआरसी सर ने उनको मना करने की भी कोशिश की लेकिन उन्होंने फर्दर जाके ट्रांसप्लांट अपना करवा लिया, और फिलहाल ये सिचुएशन है कि अभी उसके हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रहे हैं। तो ये थे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी, जिनसे जानकारी ली कि आजकल जो वीडियो ट्रेंड कर रहा है डॉक्टर विश्वरूप के बारे में कि यहाँ पर हिम्स में आके लोग ठीक नहीं हो पाते, ग्रैड सिस्टम वर्क नहीं करता, जिस तरीके के दावे पेशेंट द्वारा किए गए थे। अगर आप भी प्रूफ देखना चाहते हैं तो 28 सितंबर की जो तारीख आपको बताई गई है वहाँ पर आप आ सकते हैं और प्रूफ देख सकते हैं कि आखिर जो चीज़ें बताई गई हैं वो सच भी है या फिर नहीं। ऐसे ही और ख़बरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।